हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लंपी वायरस या गायों में जो लंपी डिजीज आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और कैसे हम उसके लिए सही दवा तक पहुंच सकते हैं। अब चूंकि एक वेटनरी डिजीज है, एनिमल्स के लिए है और इस वक्त एक एपिडेमिक के तौर पर हिंदुस्तान में फैली हुई है, तो हमारे पास सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं होंगे, हमको ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स और ज्यादातर कॉमन सिम्टम्स के बेस पे दवा निकालनी होगी। जो मैं सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने वेटनरी जर्नल्स से लिए हुए हैं। तो इसमें जो लंबी वायरस होता है ये आमतौर पे टिक्स के जरिए फैलता है, गायों में सबसे ज्यादा होता है, अफ्रीका में पाया जाता था लेकिन आजकल एशिया में भी है, मिडल ईस्ट में भी है। और इसकी खासियत यह है कि ये आमतौर पर बारिश वाले जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है उस वेदर में ज्यादा होता है। सो हम पहला जो रूब्रिक ले सकते हैं लंपी वायरस के लिए, दैट इज वेदर वार्म सल्ट्री एग्रवेट। सल्ट्री मींस ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर एग्रवेट्स। सो इस वेदर में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद गाय को बुखार आता है, बुखार के साथ उसके कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं जैसे आंखों में से पानी आना शुरू होगा और मुंह से सलाइवेशन शुरू होता है, विच इज वेरी पेक्यूलियर, देयर इज ड्रूलिंग। सो नाउ वी कैन टेक अनदर रूब्रिक, माउथ सलाइवेशन फीवर ड्यूरिंग, सो दैट बिकम्स अ सेकेंड रूब्रिक। फिर उसके बाद फीवर, जब ये फीवर एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसके बाद स्किन पे नोड्यूलर इरप्शंस होते हैं, लार्ज नोड्यूलर इरप्शंस होते हैं, विच इज द कीनोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फीवर। और वो लंपी, इसीलिए उसको लंपी कहा जाता है बिकॉज वो लम्स की फॉर्म में है, तो वो लंपी फीवर की फॉर्म में अब वो इरप्टिव फीवर्स आ रहे हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट रूब्रिक लेंगे वो होगा फीवर इरप्टिव। अब फीवर इरप्टिव जैसे जैसे ये बुखार बढ़ता है और जो लम्स आना शुरू होते हैं, इरप्शंस आना शुरू होते हैं, उसके साथ में लिम्फ नोड्स एनलार्ज होना शुरू होते हैं, एंड दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट रूब्रिक, दैट इज एडेनाइटिस अक्यूट। यू कैन फाइंड दिस रूब्रिक इन मर्फी। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, ना केवल स्किन बल्कि सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, मुंह के अंदर भी वही घाव हो जाते हैं, लम्स हो जाते हैं, नाक के अंदर भी हो जाते हैं, इवन जेनाइटेलिया भी अफेक्ट हो जाता है, सारी म्यूकस मेम्ब्रेन गट तक सब अफेक्ट होता है। सो वी नो दैट दिस वायरल डिजीज इज अफेक्टिंग ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑल्सो। नाउ टू कवर दैट एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज वी टेक अगेन इन जनरलिटीज ऑल द मेडिसिंस विच हैव दिस एफिनिटी टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स। सो हमारे पास एक जनरलिटीज में एक रूब्रिक मिल जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वी कैन टेक इट, इट्स अ वेरी लार्ज रूब्रिक, बट जस्ट टू फिल्टर आउट द रेमेडीज जिनमें म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होता है, वी टेक दिस लार्ज रूब्रिक। अब अगर हम दवाओं की बात करें तो जो दवाएं सबसे ऊपर आती हैं इसमें मर्क्सोल आती है, बेलाडोना आती है, हिपारसल्फ आती है, रस्टॉक्स आती है, लेकेसिस आती है, एंड मर्क्सोल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन फॉर दिस। लेकिन इसके साथ हम कुछ और छोटे रूब्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे बोरिक में आपको एक रूब्रिक मिलेगा टाइप्स ऑफ फीवर में, एक्सांथीमेटा, इरप्टिव फीवर, स्काइलेट फीवर विद कॉन्कॉमिटेंस एडेनाइटिस सर्वाइकल। सिमिलरली आपको कंप्लीट में मिलेगा एक रूब्रिक इरप्टिव फीवर, स्मॉल पॉक्स लाइक फीवर्स, कॉम्प्लिकेशंस विद एडेनाइटिस। सो दिस इज व्हाट वी हैव। और अगर हम ये रूब्रिक लेते हैं, अगर हम फीवर विद एडेनाइटिस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हमारे पास जो दवाई आती है वो मर्क्सोल नहीं, मर्क आयोड रूब या मर्क बिन आयोड के नाम से जो दवाई होती है वो दवा आती है। और अगर आप मर्क आयोड रूब्रम या मर्क बिन आयोड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लगभग लंपी के सारे सिम्टम्स हैं, उसी तरह के नोड्यूलर इरप्शंस भी हैं, उन नोड्यूलर इरप्शंस के अंदर चीजी डिस्चार्ज होता है, विच इज अगेन वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मर्क आयोड रूब्रम और मर्क बिन आयोड। जैसे मर्क बिन आयोड के लिए हम टॉन्सिलाइटिस के लिए भी जब हम ह्यूमंस में यूज करते हैं तो टॉन्सिल्स में जो क्रिप्स में देयर इज चीजी डिस्चार्ज, सो दैट काइंड ऑफ डिस्चार्ज विच इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स इज ऑल्सो कवर्ड बाय द रेमेडी मर्क बिन आयोड और मर्क आयोड ड्रग। एंड
इसके अलावा सो उसका जो इरप्टिव फीवर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, स्किन पे नोड्यूलर इरप्शंस है, नोड्यूलर इरप्शंस के अंदर चीजी डिस्चार्ज है, सारा एक्सेसिव सलाइवेशन है, एंड ऑल्दो मर्क आई वुड ड्रॉप बीइंग अ स्मॉल रेमेडी डज नॉट कवर वेदर वॉर्म सल्ट्री एग्रीवेट, पर चूंकि मर्क सोल में प्लस 3 का सिम्टम है और इसी मर्क ग्रुप की रेमेडी है, तो हम उसको मान सकते हैं कि मोस्ट लाइकली दिस विल कवर. सो अगर आप मेरे से पूछें मेरे रिपोर्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है जो लंपी वायरस के लिए गायों में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होगी वो होगी मर्क आयोड्रप, जिसको हम मर्क बिनायोड के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड मेडिसिन कुड बी मर्क सोल एंड हिपारसल्फ. दीज आर द 3 रेमेडीज दैट आई हाईली रिकमेंड फॉर ट्रीटिंग लंपी वायरस डिजीज इन काउस. सो इफ यू हैव पेशेंट्स, वेटनरी पेशेंट्स, and you are treating cows with lumpy disease, I request you to please consider the medicine Merck Benayote. The recommended potency would be 200 C, because this is an aggressive disease, so we'll start with a moderately high potency, and the repetition should be frequent, up to 4 times a day for a week. That would be a recommendation for homeopathic treatment of lumpy virus disease. I hope you'll find this information useful, and it will be helpful for you to treating the cows that are suffering with this horrendous disease. Thank you.